हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, झारखंड पीजीटी की बात करने वाले हैं। और ये जो क्लास है आप लोगों की डिमांड पर मैं आप लोगों की ये क्लास लेकर आया हूँ। और हम लोग अगर करने वाले हैं तो हम लोग अर्थशास्त्र की जो क्लास है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसको हम लोग करने वाले हैं। वन बाई वन डिटेल क्लास को पहले करेंगे, उसके बाद उनके एमसीक्यू भी करेंगे। वन बाई वन हम लोग सभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, सिलेबस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कि इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं हुई, तो इसका रीज़न है कि क्योंकि जिससे मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ स्क्रीन पर, वो पैड मेरा ख़राब हो गया था, तो उसकी रिपेयर में इतने दिन लग गए हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को डेली क्लास आप लोगों की अर्थशास्त्र की हो, चाहे आप लोगों की, अगर आप लोग झारखंड टेट की तैयारी करते हैं आप लोग, तो हम लोग सामाजिक विज्ञान कॉमर्स वाले बच्चे जो हुए हैं उनको सामाजिक विज्ञान लेना होता है। और सामाजिक विज्ञान की भी हम लोग सॉरी सामाजिक अध्ययन की भी क्लासें हम लोगों को अच्छी तरीके से करनी है। सामाजिक अध्ययन की हम लोग क्लासें अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसमें जो पढ़ा है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोगों ने एमसीक्यू किए हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को इसमें अब हम लोग करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के एमसीक्यू। तो ये तो आप लोगों की झारखंड टेट की बात हो गई। झारखंड टेट भी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, बस झारखंड में बहुत ही वैकेंसी आएंगी। ठीक है, बस आप लोग पॉजिटिव माइंड रखिए और अपनी स्टडी को करते रहिए, चाहे ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, जो भी नोट्स बने हैं उनको रिविज़न करते रहिए। बस इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान ना दें कि नए नए कोर्स खरीदने चलते हैं हम लोग, तो ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल जो आप लोगों के पास कंटेंट रखा हुआ है या जो कुरान किताबें रखी हुई हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैं आप लोगों को आज से क्लास वन बाई वन लेकर आने वाला हूँ, इसमें डिटेल क्लास भी होगी और एमसीक्यू क्लास डिटेल क्लास के बाद होगी। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, सूक्ष्म और बृहद अर्थशास्त्र को हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिंदी की अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस को भी हम लोग एक छोटी सी नज़र में देख लेते हैं कि सिलेबस भाई क्या रहने वाला है इसका। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस की बात की है। ठीक है, तो हम लोग इनकी सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। सिलेबस में ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ध्यान से देखिए। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को क्या क्या करना है, तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों को करना है कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोगों का ये टॉपिक, हम लोगों का ये मानिए कि ये हम लोगों का पार्ट वन रहने वाला है। इसी में पार्ट टू भी आएगा आप लोगों का, पार्ट टू भी आएगा और हो सकता है पार्ट थ्री भी आए। तो ये मतलब हम लोग तीन पार्ट में इतने चीज़ों को कवर अप कर लेंगे, ये मेरा पहले से आप लोगों को बताया है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि हम लोग मांग के बारे में पढ़ेंगे, मांग के बारे में और मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। तो हो सकता है इनके भी अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्ट फर्स्ट से लेकर हम लोग पार्ट चार तक में आप लोगों को ये कंप्लीट कोशिश करेंगे कराने की। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर सरप्लस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को लॉ ऑफ रिटर्न या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोली को अच्छी तरीके से पढ़ाना है, ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है, तो ये सभी हम लोगों को पढ़ना है अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और उसके बाद हम लोगों को ये टॉपिक वाइज टॉपिक है, ये सिलेबस में आप लोगों को ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोगों को झारखंड करके जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोगों को ये सारी की चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सेवन नंबर में हम लोग करेंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक के बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिटेल पढ़ना है। सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ पर केंद्रीय बैंक से है,
केंद्रीय बैंक से और वाणिज्यिक बैंकों से। वाणिज्यिक बैंक कितने होते हैं और सेंट्रल बैंक जो है हम लोगों का केंद्रीय बैंक है क्या क्या कार्य करता है और उसके मतलब कि जो केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये सारी बातें जो हैं हम लोगों को यहाँ पर करनी होती हैं। उसके बाद हम लोग 8 नंबर में करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस कॉजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंड एक्सपेंडिचर एबिलिटी टू पे थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, बजट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, बजट कितने प्रकार का होता है और जो हम लोगों को घाटे का बजट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ पर करनी होती हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन गेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, तो उसको भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताऊँगा। पार्ट टू की बात करते हैं और पार्ट टू में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पार्ट टू में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर एक लिखा हुआ है जनगणना। कॉजेस मतलब यहाँ पर होता है जनगणना, इंडियन इकोनॉमी, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, इडिप के बारे में पढ़ना है, NREP के बारे में पढ़ना है, ऐसे बहुत से मनरेगा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। थर्ड नंबर पे हम लोगों को पढ़ना है इंडियन पॉपुलेशन एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग मतलब ये हम लोगों को बहुत ही लार्ज मतलब कि नाबार्ड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को रेल रोड और कंडीशनल मतलब इंडिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। तो ये सारी बातें मुझे आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने सिलेबस बता दिया है, इसी के हिसाब से हम लोग 1x1 सभी चीज़ों को करने वाले हैं, एक एक करके हम लोग आराम से इनको करने वाले हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम लोग आज के अपने 1x1 एक एक करके क्लासों को करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है, ठीक है, ये नहीं है कि एक पन्ने में हो गया तो इसको हम लोग आराम से कर लेंगे, मतलब कि आराम से तो कर लेंगे, अगर डेली करेंगे तो आराम से हो जाएगा। आप लोग भी डेली पढ़ा कीजिए, अच्छी तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी भी करिए आप लोग। हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों की एक बार में नहीं होगी पूरी, मतलब हम लोगों को इसके भी पार्ट मतलब कि करने होंगे, पार्ट एक हो सकता है, पार्ट दो भी हो सकते हैं और पार्ट तीन पर भी हम लोग इस पर जा सकते हैं। इनके MCQ जब हम लोग थ्योरी की क्लास कंप्लीट कर लेंगे फिर इनके MCQ करने वाले हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन मतलब कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे, उन पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर बात आती है अर्थशास्त्र को समझने से पहले, अर्थशास्त्र को अगर समझना है, ठीक है, अगर हम लोगों को अर्थशास्त्र को समझना है तो हमें क्या पर समझना होगा, सबसे पहले हमें आर्थिक क्रिया को समझना होगा। आर्थिक क्रिया का मतलब यहाँ पर अभिप्राय हम लोगों को करना होगा। वैसे तो हम लोगों को बताया जाता है कि मानव जो है, अगर हम लोग मानव की बात करते हैं तो मानव दो प्रकार की क्रियाएँ करता है, मानव की क्रियाएं, ठीक है, मानव की दो प्रकार की क्रियाएं, दो प्रकार की क्रियाएं। अब अगर हम लोग एक नंबर में बात करते हैं तो एक होती है आर्थिक क्रिया, एक होती है आर्थिक क्रिया, एक होती है आर्थिक क्रिया और एक होती है अनार्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, ठीक है। अब आर्थिक क्रिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि आर्थिक क्रिया का मतलब होता है यहाँ पर जो क्रिया धन प्राप्ति के लिए की जाती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया में अगर हम लोग समझने चाहते हैं, उदाहरण के रूप में अगर हम लोग समझना चाहते हैं, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं
कि वस्तुओं एवं वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना ये आर्थिक क्रिया में आता है, क्योंकि ये जो क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो हम धन प्राप्ति के लिए करते हैं वो आर्थिक क्रिया होती हैं। अब लेकिन अर्थशास्त्र में ये भी कहा जाता है कि ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो हम धन प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। मैं एक एक बात आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो जो क्रिया धन प्राप्ति के लिए हम की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोगों ने समझा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो दूसरा है हम लोगों का अध्यापक के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना, तो ये एग्जाम्पल है। और अनार्थिक क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो हम सेवा भाव के लिए करते हैं, सेवा भाव के लिए करते हैं, उसे अनार्थिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अनार्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मंदिर में पूजा करना, ठीक है, सेवा भाव है, ठीक है। और गृहिणी के द्वारा भोजन बनाना, ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये अनार्थिक क्रिया में आते हैं। अब हम लोगों ने आर्थिक क्रिया को मतलब समझा है और आर्थिक क्रिया का मतलब हम लोग अब समझने वाले हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएँ अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। देखो, आर्थिक क्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर हमें अर्थशास्त्र को समझना है तो उससे पहले हमें आर्थिक क्रिया को समझना होगा। असीमित आवश्यकताएं हैं, क्योंकि अगर मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी कर दी जाती है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएँ कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। और साधन कैसे हैं हम लोगों के पास? साधन जो हैं वो सीमित हैं। साधन कैसे हैं? तो साधन सीमित हैं। अब असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है, समझ में आया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को सही तरीके से देखेगा और थोड़ा सी जगह भी मिल जाएगी हम लोगों को लिखने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, लिखा हुआ है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं, मतलब कि आज के जो वर्तमान में अभी के जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार अगर हम लोग आर्थिक क्रिया की बात करते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है, सभी आर्थिक क्रियाएँ आय सृजित नहीं करती हैं, तो ये बात यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो जाती है कि सभी आय जो हैं, सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती हैं। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक क्रिया सदैव आय का सृजन करे। आर्थिक क्रिया में आय का सृजन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
उदाहरण के लिए हम लोग एक उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। जब हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो वो एक आर्थिक क्रिया है। उपभोग जो है उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। उपभोग एक ऐसी क्रिया है तो उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। उपभोग एक आर्थिक क्रिया है किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। वस्तु के सृजन द्वारा आय का सृजन जो है आय का सृजन नहीं होता है उपभोग के द्वारा। सिंपल सी बात यह है कि आर्थिक क्रिया का मतलब यहाँ पर है कि अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें आर्थिक क्रिया को समझना होगा। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और साधन कैसे हैं तो साधन हम लोगों के पास सीमित हैं। अब सीमित साधन है, देखो यहाँ पर देखो सीमित साधन है, सीमित साधन है। सीमित क्या है तो सीमित साधन है। साधन में कौन से हो गए, जैसे मान लो भूमि है, पूंजी है, ये सब सीमित है, श्रम है। तो ये साधन कैसे हैं, साधन सीमित हैं, सीमित साधन है। और आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित क्या है तो असीमित जो है अगर हम लोगों की एक आवश्यकता पूरी कर दी जाती है तो दूसरी आवश्यकता जागृत हो जाती है। तो असीमित क्या है तो असीमित आवश्यकताएं हैं, असीमित क्या है तो असीमित आवश्यकताएं हैं। तो इसी के बीच के अध्ययन को हम लोग इसमें सम्मिलित करते हैं। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ये नहीं कहा है, आर्थिक अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि समस्त जो है क्रियाएं जरूरी नहीं है कि समस्त जो आय सृजित करती हैं वो आर्थिक क्रिया हो, या सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती हैं। कुछ ऐसी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो आय सृजित नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। जब हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसमें जो है आय का सृजन नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी चीज़ को यूज करते हैं तो उसमें आय का सृजन नहीं होता है, किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। सिंपल सी बात यह है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, तो ठीक है। अब हम लोग बात आती है यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर्थिक क्रिया जो समझ में आई है, आर्थिक क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो आर्थिक क्रिया के जो प्रकार हैं वो चार होते हैं। आर्थिक क्रिया के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, एक ये लिखा हुआ है उपभोग, दूसरा लिखा हुआ है उत्पादन, तीसरा लिखा हुआ है विनिमय, और चौथा लिखा हुआ है हम लोगों का, चौथा लिखा हुआ है जो निवेश। चौथा क्या लिखा हुआ है, निवेश। उसके बारे में हम लोग समझते हैं एक एक करके। आर्थिक क्रिया के प्रकार अक्सर करके पूछे जाते हैं, तो ये चार होते हैं। आर्थिक क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, चार होते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं, एक एक तरीके से अच्छी तरीके से समझेंगे। लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है उपभोग। उपभोग एक मैंने ऊपर ही बताया है कि उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। उपभोग को बोलते हैं कंजम्पशन। उपभोग ए वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल और सामूहिक का मतलब कि बहुत से लोग, ग्रुप ऑफ ग्रुप, तो जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएं हैं। क्या है, उपभोग की क्रियाएं हैं। और उपभोग जो है वो किस में आता है, तो उपभोग भैया हम लोगों का आर्थिक क्रिया में आता है। ठीक है, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है और उसमें वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग भोजन को खाते हैं तो हम लोग उपभोग करते हैं, उपभोग करते हैं। अब भोजन करने से कोई आय सृजन नहीं होती है, कोई आय सृजन नहीं होती है। अब आय सृजन नहीं होती है तो आप कहेंगे कि ये अनार्थिक क्रिया है, लेकिन ये कैसी क्रिया है, तो ये आपकी आर्थिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, तो ये आपकी आर्थिक क्रिया है। ठीक है, कपड़ा पहनना, कपड़ा पहनते हैं हम लोग, जब कपड़ा का उपयोग करते हैं, कपड़ा का
उपभोग करते हैं, पहनना का मतलब उपभोग करना होता है, जो वस्तु हम यूज करते हैं वो उपभोग में आती है। अब उपभोग करने से कोई पैसा तो जनरेट होगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए इसे आर्थिक क्रिया में कहा गया है, पहले से ही बोला है कि उपभोग जो है वो आर्थिक क्रिया है, ठीक है। हाँ, उत्पादन में हम लोग पैसे की बात आती है, यहाँ पर उत्पादन करेंगे तो पैसे बनेंगे, आय का सृजन होगा, सिंपल सी बात है, आय का सृजन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। दर्जी द्वारा कपड़ा काट कर कपड़ा सिलना और बढ़ई द्वारा लकड़ी को लेकर चीर कर कुर्सी मेज बनाना, ठीक है। तो ये उत्पादन की क्रिया के उदाहरण हैं, मतलब यहाँ पर उत्पादन जो है, उत्पादन को इन्होंने आर्थिक क्रिया माना है, और उत्पादन एक कैसी क्रिया है, तो उत्पादन एक आर्थिक क्रिया का प्रकार है, क्या है, आर्थिक क्रिया का प्रकार है, आर्थिक क्रिया का प्रकार है। अब यहाँ पर उत्पादन का मतलब होता है कि हमने क्या किया, हमने उस वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता में या उसके मूल्य में वृद्धि करने से है। उत्पादन का मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जो है हमने नहीं बनाई है, सभी चीज़ें हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। अब आप कहेंगे कि हमने जो है हमने क्या बनाया है, आप कहेंगे कि हमने फर्नीचर बनाया है। फर्नीचर बनाया ज़रूर आपने है, लेकिन आपको माल कहाँ से मिला है, लकड़ी तो हमें प्रकृति से प्रदत्त है, लकड़ी जो है वो हमें लकड़ी से प्र... मतलब कि प्रकृति से प्रदत्त जो है, लकड़ी को हमने कुछ उसमें परिवर्तन करके उसको चीर कर हमने उसका नया शेप देकर उसे फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया है। लकड़ी के रेट अलग होते हैं और फर्नीचर के रेट अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उत्पादन का मतलब यहाँ पर ये है, उत्पादन का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना, मतलब कि देखो कपड़ा का रेट अलग होता है, कपड़े का रेट अलग होता है, लेकिन उसको काट कर जब हम लोग कपड़ा सिल दिया जाता है तो उसका रेट अलग हो जाता है, तो मतलब मूल्य में वृद्धि करना भी हम लोगों का उत्पादन में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर इसका प्रकार लिखा हुआ है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है यहाँ पर एक्सचेंज से। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है, और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि विनिमय की इस क्रिया को क्या कहते हैं, कीमत निर्धारण भी कहते हैं। इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इसे क्या कहते हैं, विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब विनिमय जो है वो दो प्रकार के होता है, एक होता है वस्तु कीमत निर्धारण और एक होता है साधन कीमत निर्धारण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रकार जो लिखा हुआ है, लास्ट जो आर्थिक क्रिया का प्रकार लिखा हुआ है, ये है चार नंबर, और इसमें लिखा हुआ है कि निवेश। निवेश का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती हैं। उदाहरण के लिए कपड़े सिलने की सिलाई मशीन उत्पादन पर, अगर हम लोगों ने मान लो हमें कपड़ा सिलना है, अब कपड़ा सिलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सिलाई मशीन सोचेंगे ले ली जाए या नहीं ली जाए। सिलाई मशीन अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है, ये हम लोगों का निवेश कहलाएगा। निवेश लगाएंगे हम लोग इसमें सिलाई मशीन में रुपए, और सिलाई मशीन से जब हम कपड़ा सिलेंगे तो उसमें हमें क्या होगा, आय का सृजन होगा, क्या होगा, आय का
सृजन होगा, और आय का सृजन होगा तो भैया ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये हमारी आर्थिक क्रिया में आ जाएगी, और ये आर्थिक क्रिया का हम लोग चौथा प्रकार ही पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए, मतलब कि हमें भविष्य में वस्तुओं को बनाना है या फिर सेवाओं को देना है जिनके उत्पादन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं जो हम डेली नहीं खरीदते हैं, जिससे हम आय का सृजन करते हैं, वही वस्तुएं हमारी पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। पूंजीगत वस्तुओं में जैसे हम लोगों को पूंजीगत वस्तुओं में हम लोग बात करते हैं, पूंजीगत वस्तुएं, और पूंजीगत वस्तुओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जैसे हम लोगों का फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, मान लो हम लोगों का भूमि हो गया, ठीक है, मशीन हो गई, विनियोग हो गया, तो ये हम लोगों के पूंजीगत हैं, दीर्घकालीन विनियोग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये सभी हमारे पूंजीगत वस्तुएं हैं, और पूंजीगत वस्तुओं का मतलब होता है ये सारी संपत्तियां हमारी, ये सभी संपत्तियां हैं, ये क्या है हमारी, ये सभी संपत्तियां हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है कि आर्थिक क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, तो आर्थिक क्रिया के जो प्रकार हैं वो चार होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हम लोगों का, एक होता है उत्पादन, ऊपर नीचे हो सकते हैं, दूसरा होता है उपभोग, जब उत्पादन करेंगे तभी तो उपभोग करेंगे, और उपभोग करेंगे तो फिर क्या करेंगे, विनिमय करेंगे, विनिमय करेंगे तो निवेश करेंगे, तो ये चारों जो प्रकार हैं इनके चारों के प्रकार आप लोगों को याद रखने हैं, ये चारों प्रकार पूछे जाते हैं ये आर्थिक क्रिया के, इनमें से कौन से प्रकार नहीं हैं या फिर हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। अब आगे बात आती है, और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है, अब यहाँ से हम लोगों का IMP जो चीज़ें हैं वो हम लोगों की शुरू हो जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया में हम लोगों का उत्पादन पूछा जाए, निवेश पूछा जाए, कौन सी क्रिया में आता है, तो ये सारी बातें आप लोगों को बतानी होती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अगर आप लोग ऐसे ही चलते हैं हम लोग, तो अच्छी तरीके से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी करें। ठीक है, हम लोग इसी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, जब आप लोग MCQ उनके करेंगे ना तब आप लोग कहेंगे कि हाँ आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया है, और क्वेश्चन की भी मैं आप लोगों को करा के दिखाऊंगा लास्ट में। लेकिन यहाँ पर आर्थिक क्रिया की बात आती है, आर्थिक क्रिया के व्यष्टि और समष्टि स्तर, यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों के शुरू हो जाते हैं। तो टॉपिक की बात आती है, अब आप लोग कहेंगे कि आपने इतना ऊपर का क्यों पढ़ाया, तो यहाँ पर ये भी आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपरों में, इसीलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ से क्वेश्चन बात आती है, क्या पूछा जाता है यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्तर अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में ही नार्वे के, कहाँ के विद्वान थे, नार्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसने दो भागों में बांटा है, या आर्थिक क्रिया की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, या आर्थिक क्रिया की दो शाखाओं को किसने बांटा था, कहाँ के थे, तो ये भैया कहाँ के थे, ये थे अर्थशास्त्री थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे रैगनर फ्रिस, ये कहाँ के थे, तो ये नॉर्वे के थे। ठीक है, और इन्होंने दो भागों में बांटा था, कौन कौन सी, एक थी हम लोगों की व्यष्टि अर्थशास्त्र,
बीएसटी अर्थशास्त्र, और एक थी हम लोगों की समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र तो ये दो शाखाएं थी। तो हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर को हम लोग समझ रहे हैं, और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक क्रिया का जो अध्ययन है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्तर अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जा सकता है। आर्थिक क्रिया के अध्ययन के संदर्भ में नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रिंस ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है। अब क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में किसने विभाजित किया है। तो अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रिंस ने किया है। पूछा जाता है कि रैग्नर फ्रिंस अर्थशास्त्री थे, गणितज्ञ थे या दर्शन शास्त्री थे। तो आप लोगों को बताना है कि वो एक अर्थशास्त्री थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने कहा है आप लोगों से ये, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं कि अर्थशास्त्र में क्या क्या बातें, सॉरी व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझेंगे और बहुत ही गहराई में हम लोग जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब ये माइक्रो शब्द जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से शब्द से लिए गए हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए क्योंकि ये भी बातें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों के अध्ययन तथा आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण में दो महत्वपूर्ण विधियाँ, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण और बृहद आर्थिक विश्लेषण, मतलब कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। शब्द जो है, शब्द की बात करते हैं, माइक्रो शब्द जो माइक्रो शब्द है, माइक्रो शब्द है, माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द, कौन से शब्द, ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है छोटा होता है। तथा जो शब्द मैक्रो लिया गया है, मैक्रो MACRO, मैक्रो भी ग्रीक भाषा का तो शब्द है, ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो किससे लिया गया है, मैक्रोज से लिया गया है, मैक्रोज से लिया गया है, मैक्रोज से लिया गया है, मैक्रोज से, ठीक है। और मैक्रोज का मतलब क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है विशाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिए कि वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और माइक्रो जो है वो भी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन से शब्द, इनका मतलब पूछा जाता है, तो इनके मतलब भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी बातें जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में क्या लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई जैसे उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन, एक उत्पादक अथवा एक फर्म का अध्ययन, ठीक है, आदि अनेक ऐसी क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत इकाई वर्तमान व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित हैं, जिनका अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम लोग बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की,
और जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एक उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है, एक उत्पादक का व्यवहार, एक उत्पादक का व्यवहार, एक फर्म का व्यवहार, तो इनके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये सब हमारा व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, सॉरी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। दूसरा टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, और इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का जो अध्ययन है वो इसमें किया जाता है, तो इसीलिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। सिंपल सी बात जो है ये है कि इसमें हम लोग, जैसे मान लो कि हम लोग एक निश्चित क्षेत्र की बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र की बात होने वाली है, जितना भी है संपूर्ण क्षेत्र की बात होने वाली है, और यहाँ पर एक निश्चित जगह की बात होगी, एक निश्चित क्षेत्र के बारे में हम तो अध्ययन करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उपभोक्ता का अगर व्यवहार देखते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है, और संपूर्ण उपभोक्ताओं के बारे में सोचते हैं, संपूर्ण उपभोक्ताओं की मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं एक मतलब कि उत्पादक के बारे में बात करते हैं, और संपूर्ण उत्पादक के बारे में बात करते हैं, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में आता है, ठीक है। तो इतना इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। इसमें अभी और भी हम लोगों को कुछ बातें हैं MCQ, मतलब कि कुछ बातें जो हैं अभी हमें और बतानी हैं, वो भी आप लोगों से पूछनी है। अगली क्लास में जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें भी मैं आप लोगों से बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें अधूरा लगता है तो आप लोग बताइए, हम ज़रूर उस पर कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से और पढ़ाने की, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट में बात आती है, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री से यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के विषय को एवं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण को कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। तो पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्गों में बांटा गया है, तो याद रखिए कि वो कितने वर्ग हैं, तो वो 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहली जो है विचारधारा, वो विचारधारा ये पूछा जाता है कि धन संबंधी विचारधारा किसने दी है, कल्याणवादी विचारधारा किसने दी है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। धन संबंधी विचारधारा जिसे हम लोग वेल्थ कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, JV SE ने और वाकर सीनियर आदि ने धन और इसके अर्जन, वितरण एवं प्रयोग को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया है। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को में आर्थिक मानव एवं उसकी क्रियाओं को सम्मिलित किया है। देखो इतनी बातें आप लोगों से नहीं पूछी जाएंगी, बस इतना ज़रूर पूछा जाएगा MCQ में कि धन संबंधी विचारधारा, धन संबंधी विचारधारा
के प्रतिपादक कौन कौन लोग थे, ये जरूर पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि धन संबंधी विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं उनके नाम हैं एडम स्मिथ और कौन है, जे बी से हैं और बाकर हैं, सीनियर हैं, ये लोग हैं। लेकिन अगर महत्वपूर्ण नामों में पूछा जाता है तो सबसे आगे कौन थे, एडम स्मिथ साहब थे, तो इसलिए इनका नाम सबसे आगे लिखा है। उसके बाद दूसरा नंबर लिखा हुआ है कल्याणवादी विचारधारा, जिसे वेलफेयर कॉन्सेप्ट कहते हैं, और मार्शल साहब इसके प्रतिपादक थे। मार्शल एवं उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में धन के स्थान पर मानव कल्याण के विचार की स्थापना की है। कल्याणवादी विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संबंध भौतिक कल्याण से होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करती है कि मानव के कल्याण की बात किसने कही थी अर्थशास्त्र में, या फिर कल्याणवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, तो प्रतिपादक थे मार्शल साहब। तो कल्याणवादी विचारधारा तो यहाँ पर पूछा जाता है कि कल्याणवादी विचारधारा अब कल्याणवादी विचारधारा के प्रतिपादक की बात आती है तो उनका नाम है मार्शल साहब, मार्शल और उनके समकालीन, ठीक है। मार्शल तो महत्वपूर्ण नामों में सबसे ऊपर नामों में पूछा जाता है तो वो है मार्शल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट की बात आती है और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि दुर्लभता संबंधी विचारधारा, तो इसके प्रतिपादक कौन थे, तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधन और असीमित साध्यों से संबंधित चुनाव समस्याओं को सम्मिलित किया है। रॉबिन्स के विचार में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में मानव व्यवहार की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मानव अपने सीमित साधनों तथा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को ये तीन विचारधाराएं बताई हैं। नेक्स्ट विचारधारा मैं आप लोगों को अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। अगर आप लोग झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूँ, सामाजिक अध्ययन की क्लास है आप लोगों की, और इसमें हम लोग इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट टू को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। ये MCQ टाइप में हम लोग तैयारी को इनको कर रहे हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को क्लासें अगर मेरी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और आप लोग अगर आप लोगों के काम का अगर है तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को बताइए कि हम लोग इस प्रकार से तैयारी को करते हैं। इतनी गहराई में हम लोग इन्हीं चीज़ों को ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये PDF आप लोगों को क्लास मतलब कि अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोगों को नोट्स करने के, अगर मान लो आप नोट बनाते हैं तो आप लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग PDF जो चाहते हैं तो ये PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।